कभी तुम्हारी दुनिया। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और गाइस, आपने जो भी स्क्रीन पर वीडियो देखी, आपने ये वाली वीडियो इंस्टाग्राम रील पे ज़रूर से देखी होगी। गाइस, ये वाली वीडियो इंस्टाग्राम रील पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है। आप देख सकते हो इस वीडियो पे 20 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं और इस टाइप की कई वीडियोज़ हैं जिन पर मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं। सो गाइस, आज आपको मैं इसी वीडियो का ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ बहुत आसान तरीके से। बस आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना। आपका भाई डेली इंस्टाग्राम से रिलेटेड नए नए एडिटिंग की वीडियोस लाता रहता है। सो गाइस, आते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में VN एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। यह आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, आराम से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद गाइस, आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको फ़ोटो वाले ऑप्शन पर चले जाना है। गाइस, ये वीडियो बनाने के लिए आप चाहो तो 2 फोटो ऐड कर सकते हो या आप 4 फोटो ऐड कर सकते हो, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। आप वीडियो पूरी देख रहे हैं, आप अच्छे से समझ जाओगे। सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पर 4 फोटो ऐड कर लेता हूँ। गाइस, आपको एक अपना ओल्ड टाइप का फ़ोटो लेना है। आप बचपन का भी ले सकते हो, ओल्ड टाइप का ले सकते हो, कोई भी फ़ोटो। इस तरीके से जैसे मैंने ये फ़ोटो ऐड करे, ठीक है, आप देख सकते हो। फिर आपको ऊपर ओरिजिनल पर टैप करके 9.16 वाला साइज़ लगा के आपको अपना फ़ोटो स्क्रीन पे फिट कर लेने हैं। जैसे ये फ़ोटो मैं इधर को कर देता हूँ, ठीक है, इधर साइड को बीच में कर देता हूँ बिल्कुल, ठीक है। आपको सारे फ़ोटो देख लेने हैं कि आपके सभी फ़ोटो स्क्रीन पे फिट है या नहीं। अगर आपका फ़ोटो छोटे होते हैं, जूम वगैरह आप कर लेना आराम से। एंड में ब्लैक वाला वाटरमार्क होगा, आपको इसे डिलीट कर देना है। फिर आपको शुरू में आ जाना है। गाइस, यहाँ से आपको म्यूज़िक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, म्यूज़िक पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको म्यूज़िक ले लेना है। म्यूज़िक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको म्यूज़िक बीट्स पर क्लिक करना है। गाइस, यहाँ से आपको अपने म्यूज़िक पे ये 3 बीट लगा लेनी है। 3 बीट कितने टाइम पर लगा देनी है मैं आपको बता देता हूँ। गाइस देखिए, साइड में ये टाइम आ रहा है, आपको इतने टाइम पर रोकना है, 5.67 पर आपको पहली बीट यहाँ लगानी है। आप नीचे ये फ्लैग देख रहे हो, फ्लैग कर दोगे आपकी बीट लग जाएगी। सेकेंड बीट आपको लगानी है 7.26 पर। थर्ड बीट आपको लगानी है 8.90 पर। गाइस, अगर आपसे कोई गलत भी बीट लग जाती है तो आप बीट पर क्लिक करके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। फिर आपको 3 बीट लगा के यहाँ से राइट कर देना है, ठीक है। फिर गाइस, आपको क्या करना है, आपका जो फर्स्ट वाला फ़ोटो रहेगा ना, आपको उसे बड़ा करना है। कितना बड़ा करना है आपको, ये पहले वाली बीट है ना, हमने जो बीट लगाई थी यहाँ पर, देखिए ये, ठीक है, यहाँ पर बीट है ये, तो आपको इसके पास लाना है फ़ोटो खींच के, इस तरीके से इस पर ला कर रोक देना है, ठीक है। सेकंड फ़ोटो आपको सेकंड वाली बीट पे, थर्ड फोटो थर्ड वाली बीट पे। इस तरीके से आपको सारे फ़ोटो बीट पे सेट करके और ये लास्ट वाला फ़ोटो आपको म्यूज़िक तक कर देना है। फिर गाइस, आपको इसमें इफेक्ट लगाने हैं। इफेक्ट कौन से लगाओगे आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हो, ठीक है, आपको जो अच्छे लगे। जैसे मैं इसमें इफेक्ट लगा रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कौन से लगा रहा हूँ। नीचे इफेक्ट्स पर क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पर आप एक ऑप्शन मतलब इफेक्ट मिलेगा जिसका नाम है एक्सपेंड। मैं ये वाला इफेक्ट लगा रहा हूँ, इस वीडियो पर अच्छा लग रहा है। और इसका जो ग्रीन बॉर्डर है शुरू में करके, इसे मैं बड़ा कर देता हूँ जितना बड़ा होता ही है। नीचे अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ, ठीक है। अब हमें फर्स्ट वाले फ़ोटो से चेंज करना है ये वाला इफेक्ट। दोबारा से मैं इफेक्ट्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं शुरू में आ जाता हूँ, वाइट वाले इफेक्ट लगाता हूँ और इसका जो ग्रीन बॉर्डर है ना, इसका बड़ा कर देता हूँ जितना बड़ा होता है। और इस ग्रीन बॉर्डर को मैं बीच में रख देता हूँ फ़ोटो के करीब, मैं देख लूँगा इधर से भी इतना फ़ोटो खाली है और यहाँ से भी इतना खाली है, ठीक है। मैं बीच में कर देता हूँ और नीचे जो इसका पीरियड है मैं पूरा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा स्लो स्लो होएगा ये, और राइट कर देता हूँ। गाइस, अब हमारी वीडियो बन गई। एक बार मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ कैसी लग रही है। सो गाइस, देखा आपने कितनी प्यारी वीडियो लग रही है। आई होप आपकी अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक ज़रूर से करना। और गाइस, आपको वीडियो गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको इतना साइज रख के वीडियो को सेव कर लेना है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।